सनु जी, बात करें अगर एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स की, तो आपको क्या लगता है जिस हिसाब से सरसों सबसे बेहतर परफॉर्म करती हुई नजर आई है इस बार कंसिस्टेंसी के साथ, एक अच्छी तेजी के साथ, बिना ओवरबॉट हुए, तो आपको क्या लगता है सरसों के लेवल्स क्या आने वाले दिनों में 9,000 के भी पार जाते हुए नजर आ पाएंगे? देखिए, सरसों में भी हम एक तेजी मान चल रहे हैं। इस बार कहीं ना कहीं देखें तो जिस तरीके से हमने आने वाले समय में एक डिमांड हम मान के चल रहे हैं फेस्टिवल सीजन, तो उससे भावों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। हालांकि हमने देखा है कि जो भाव है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा करेक्शन लेते हुए, हमने पिछले 2-3 दिनों में थोड़ी सी नरमी यहाँ पर आती हुई देखी है, तो फिलहाल एक सेलिंग प्रेशर भी हम यहाँ पे देख रहे हैं। हमें लगता है कि अभी फिलहाल खरीदारी नहीं करना चाहिए, थोड़ा वेट एंड वॉच करें। एक बार भाव हम लगता है कि 8,200 तक के लेवल देखने को मिल सकता है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा करेक्शन यहाँ पर अभी हम करंट रेट से देख रहे हैं। 200-300 रुपए की क्या देखी जा सकती है। मंडियों के अंदर आवक बनी हुई है जिससे भाव नरम देखने को मिल रहे हैं जी। ये सर जी, बात करेंगे सोयाबीन की, तो सोयाबीन में आपको क्या लग रहा है, देख रहे हैं कि 6,200 का जो एक सपोर्ट लेवल है आज भी वो सस्टेन होकर चल रही है सोयाबीन उस पर? सोयाबीन के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम नरमी का रुख मान के चल रहे हैं, क्योंकि इस बार देखें तो एमपी के अंदर और जो प्रोड्यूसिंग एरिया है वहाँ पे हमने अच्छी क्रॉप देखी है, और जो क्रॉप साइज है वो पहले से बेहतर यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हमने अभी मानसून में बढ़ोतरी बनते हुए देखी है, मानसून में रिकवरी देखी है, उससे काफी हद तक सोयाबीन को इफेक्ट रहा है और सोयाबीन की क्रॉप पहले के मुताबिक होती हुई दिख रही है। हमें लगता है कि उससे भावों में एक पॉजिटिव असर रहेगा और भावों में हम एक सेलिंग प्रेशर आते हुए देखेंगे। मंडियों के अंदर आवक बढ़ती हुई दिखाई देगी, पैदावार बढ़ती हुई दिखाई देगी, तो उससे भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। तो एडिबल ऑयल, अगर हम पूरे ही एडिबल ऑयल पैक की बात करें, तो मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पे ज्यादा तेजी देखने को मिलेगी। हो सकता है कि आने वाले समय में एडिबल ऑयल पैक में कुछ नरमी का ही रुख बना रहे, तो पर्टिकुलर सोयाबीन के अंदर भी हमें लगता है कि बिकाली के साथ ट्रेड कर सकते हैं। नीचे हमें लगता है कि 5,700 तक के लेवल सोयाबीन में देखने को मिल सकते हैं जी। तो यानी कि खाद्य तेलों के अंदर में आने वाले कुछ दिनों तक खाद्य तेलों का जो रुझान है वो नरमी के साथ देखने को मिल सकता है। सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन में अनुज के मुताबिक 5,700 से 5,800 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, तो बिकवाली करके चला जा सकता है।